और बेहद खूबसूरत रचना है। श्रोता, बहुत शुक्रिया, और श्रोताओं का भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आदरणीय कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी का, जो नोएडा में रहते हैं, मूलतः उन्नाव से हैं। काव्य की सभी विधाओं एवं बाल रचनाओं के संवर्धन के लिए ये निरंतर जुटे रहते हैं, साथ ही व्यंग एवं आलेख लेखन में रुचि रखते हैं। रचनाएं व आलेख देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं। सादर अभिनंदन और स्वागत आदरणीय त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। स्वागत। इस आयोजन से जुड़े सभी सभी मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, बिल्कुल साफ आपकी आवाज आ रही है। इस आयोजन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम और अभिनंदन, और जो भी श्रोता मेरे आग्रह पर या आपके आग्रह पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, और आपका स्नेह चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ने का, तो कोई अगर त्रुटि हो तो उसको नज़रअंदाज करेंगे। और मैं अपना काव्य पाठ का आरंभ जो है माँ शारदे के ऊपर लिखे 3 दोहों से करूंगा, और उसके बाद कुछ रचना लेकर आपके सामने रखूंगा। जी स्वागत। सबसे पहले सरस्वती माता को 3 दोहे समर्पित हैं। वीणा वादिनी आपकी महिमा अपरंपार, तिहरी हम पूजा करें भरे ज्ञान भंडार। वीणा वादिनी आपकी महिमा अपरंपार, तिहरी पूजा हम करें भरे ज्ञान भंडार। पाए यदि तुम्हारी कृपा खुशियाँ मिले अनंत, ज्ञानामृत है बरसता आयो आज बसंत। आओ हम सब ले शपथ भरे ज्ञान भंडार, आओ हम सब ले शपथ भरे ज्ञान भंडार। सुख समृद्ध हो जाए सब, सुखमय हो संसार, सुख समृद्ध हो जाए सब, सुखमय हो संसार। अब मैं अपने रचनाओं से आप सबको रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले पर्यावरण के ऊपर एक रचना है जो कि लावणी छंद पर आधारित है, उसका शीर्षक है पर्यावरण बचाओ। जी। भारी संकट आन पड़ा है धरती कौन बचाएगा, भारी संकट आन पड़ा है धरती कौन बचाएगा। मानवता का नाम निशान तब पृथ्वी से मिट जाएगा, मानवता का नाम निशान तब पृथ्वी से मिट जाएगा। बढ़ा प्रदूषण धरती पर यूं जनता सारी त्रस्त हुई, बढ़ा प्रदूषण धरती पर यूं जनता सारी त्रस्त हुई। महामारियां जन्म ले रही मानव क्या बच पाएगा, महामारियां जन्म ले रही मानव क्या बच पाएगा। जो हम आजकल देख रहे हैं ये सब हमारे ही करने का फल है, जो हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगला बंद देखिएगा। नंगी होती धरा नित्य दिन पर्वत जंगल का विनाश, नंगी होती धरा नित्य दिन पर्वत जंगल का विनाश। खातिर आने वाली पीढ़ी पादप कौन लगाएगा। वृक्षारोपण के ऊपर ध्यान कर आकर्षित कर रहा हूँ कि खातिर आने वाली पीढ़ी पादप कौन लगाएगा। प्रदूषण देखिए कि स्वागत। ग्रसित दिशाएं धूल गर्द से, चारों तरफ धूल फैली हुई है। AQI इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हर सौर की हाल ही वही है। ग्रसित दिशाएं धूल गर्द से लेना सांस हुआ भारी, पीकर रोज विषैली गैसे कैसे स्वास्थ्य बचाएगा, पीकर रोज विषैली गैसे कैसे स्वास्थ्य बचाएगा। जी। आपकी अज्ञानता के ऊपर एक मंद है कि वन अज्ञानी नाश कर रहे भूमंडल की थाती को, वन अज्ञानी नाश कर रहे भूमंडल की थाती को। पर्यावरण बचाएं कैसे आखिर कौन बताएगा, पर्यावरण बचाएं कैसे
आखिर कौन बताएगा। अब चारों तरफ पॉलीथीन और प्लास्टिक जो कभी नष्ट नहीं होता वो बिखरा पड़ा है, उसको ये बंद समर्पित है कि जिधर नजर जाती है दिखता, जिधर नजर जाती है दिखता ढेर प्लास्टिक कचरे का, जिधर नजर जाती है दिखता ढेर प्लास्टिक कचरे का, युग युग तक यह नष्ट न होगा कैसे मुक्ति दिलाएगा, युग युग तक यह नष्ट न होगा कैसे मुक्ति दिलाएगा। जागरूक होना है सबको, जागरूक होना है सबको आने वाले खतरे से, नहीं सीख पाया यदि खुद तो फिर कैसे सिखलाएगा। जब खुद नहीं सीखेंगे तो औरों को क्या बताएंगे। तो नहीं सीख पाया यदि खुद तो वह कैसे सिखलाएगा। अगर सभ्यता आज न चेती, ये चेतावनी है, अगर सभ्यता आज न चेती धरा नष्ट हो जाएगी, यदि अगर सभ्यता आज न चेती धरा नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी पर रहता था मानव किस्सा कौन सुनाएगा, पृथ्वी पर रहता था मानव किस्सा कौन सुनाएगा। जी। नदियों की हालत देखिए, नदियां व्याकुल दिन प्रतिदिन हैं, पाप धो रही वो सबके, नदियां व्याकुल दिन प्रतिदिन हैं, पाप धो रही वो सबके, कितने पाप किए मानव ने उसको कौन गिनाएगा, कितने पाप किए मानव ने उसको कौन गिनाएगा। कोई सीमा नहीं बची है, कोई सीमा नहीं बची है संसाधन को दुहने की, शोषण जितना आज करेगा वही कभी पछताएगा, शोषण जितना आज करेगा वही कभी पछताएगा। अंतिम बंद है जी। अधिक वेदना सहन सकूं मैं, अधिक वेदना सहन सकूं मैं, जुल्मों का अब अंत करो। ये पृथ्वी कह रही है जी। अधिक वेदना सहन सकूं मैं, जुल्मों का अब अंत करो, बदले में विध्वंस करूंगी कैसे मुझे मनाएगा। क्या बात है। बदले में विध्वंस करूं तो कैसे मुझे मनाएगा। भारी संकट आन पड़ा है धरती कौन बचाएगा, मानवता का नाम निशान तब पृथ्वी से मिट जाएगा। ये मेरी पहली रचना थी, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी और जो मैंने इसके माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया वो सब तक पहुंचा होगा। जी यकीनन बेहद खूबसूरत संदेश था और सार्थक भी था और चेतावनी भी है, अगर नहीं सुधरे तो यकीनन परिणति यही होगी। बिल्कुल सहमत हूँ आदरणीय आपके वक्तव्य से। बहुत सुंदर सार्थक प्रश्न समसामयिक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो भी पटल से भी जुड़ चुके हैं उनको सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और उत्साह वर्धन करने के लिए। अगला है एक आल छंद के ऊपर, जिसको जैकरी छंद भी बोलते हैं। आला जो पुराने जमाने में एक परंपरा थी, इसको लोग हाँ जी ओज रस में गाते थे। इसको हम श्रृंगार में लेकर के आए हैं और सुबह भोर के बारे में कुछ कहने का प्रयास किया है आल छंद के माध्यम से। जी स्वागत। इसका शीर्षक है नव विहान। हुई प्रस्फुटित प्रथम किरण जब धरी तभी धरा पर आई भोर, हुई प्रस्फुटित प्रथम किरण जब तभी धरा पर आई भोर, नींद त्याग सब खग उठ बैठे कलरव से उठता मृगशोर, नींद त्याग सब खग, खग मतलब पक्षी, नींद त्याग सब खग उठ बैठे कलरव से मृद उठता शोर। पहला बंद देखिएगा, क्षुधा सताती हर प्राणी को, क्षुधा सताती हर प्राणी को, तत्व यही जीवन का मूल, पंछी खोजे भोजन अपना पशुधन चढ़ा उलाता धूल, पंछी खोजे भोजन अपना पशुधन चला उड़ाता धूल। सुबह सुबह चिड़िया जो पशु पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं, चिड़िया दाना चुगने के लिए घूमती हैं और जो गोधन है या जो पशुधन है वो घास चरने के लिए अपना पेट भरने के लिए बाहर निकालता है, तो उनके जो खुरों से धुलती है उसके बारे में बात की है। जी स्वागत। नियत समय पर कार्य करें हम नहीं तके किस्मत की ओर, हुई प्रस्फुटित प्रथम किरण जब तभी धरा पर आई भोर, भूमंडल के सारे प्राणी निकल पड़े हैं अपनी राह, भूमंडल के सारे प्राणी निकल पड़े हैं अपनी राह,
जीवन में खुशहाली आए, सबके मन में बसती चाह। जीवन में खुशहाली आए, सबके मन में बसती चाह। मन चाहा परिणाम चाहिए, सब मन चाहा परिणाम चाहिए, तब श्रम करना होगा घोर। मन चाहा परिणाम चाहिए, तब श्रम करना होगा घोर। हुई प्रस्फुटित प्रथम किरण तो तभी धरा पर आई भोर। मूल मंत्र मानव जीवन का, कर्म करें जब हुआ विहान। मूल मंत्र मानव जीवन का, कर्म करें जब हुआ विहान। खाद्य अन्न उपजाने खातिर खेतों को चल पड़े किसान। धरना नहीं देके बैठे हैं किसान जो है, सुबह सुबह खेतों के लिए निकल पड़ते हैं। खाद्य अन्न उपजाने खातिर खेतों को चल पड़े किसान। स्वेद बहाए बिना स्वार्थ के, स्वेद बहाए बिना स्वार्थ के, नित्य लगाए अपना जोर। हुई प्रस्फुटित प्रथम किरण तो तभी धरा पर आई भोर। अगला बंद देखिएगा। जिसको जैसा कार्य मिला है, सदा लगाए उसमें जान। जिसको जैसा कार्य मिला है, सदा लगाएं उसमें जान। कर्मठता के साथ जिए जो, जग में बढ़ता उसका मान। कर्मठता के साथ जिए जो, जग में बढ़ता उसका मान। कर्म और सच्चाई मिलकर, कर्म और सच्चाई मिलकर, एक बनाएं सुगठित डोर। कर्म और सच्चाई मिलकर, एक बनाएं सुगठित डोर। हुई प्रस्फुटित प्रथम किरण तो तभी धरा पर आई भोर। कर्म और आनंद जरूरी, ये भी देखिए साथ में कि कर्म और आनंद जरूरी, इनका रखिए सदा ख्याल। कर्म और आनंद जरूरी, इनका रखिए सदा ख्याल। प्रकृति रंग में जी भर रमिए, मन में रखिए नहीं मलाल। प्रकृति रंग में जी भर रमिए, मन में रखिए नहीं मलाल। खुश होकर मन हर मनवा नाचे, खुश होकर हर मनवा नाचे, नृत्य करें जो मन में मोर। खुश होकर हर मनवा नाचे, नृत्य करें जो मन में वोर। हुई प्रस्फुटित प्रथम किरण तो तभी धरा पर आई भोर। प्रथम किरण जब हुई अवतरित, तभी धरा पर आई भोर। लाए साथ नई अभिलाषा, जब भी आती नई भोर। लाए साथ नहीं अभिलाषा, जब भी आती है न भोर। इसके साथ ही मेरा ये दूसरा, आपका शब्द संयोजन बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत आपका शब्द संयोजन है। हर शब्द के साथ कुछ न कुछ देना चाहता हूँ समाज को, यही मेरा प्रयास होता है मेरी रचनाओं के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आदरणीय जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक है, संदेश देती हुई है, शब्द संयोजन बेहद खूबसूरत है, बहुत सारी प्यारी रचनाएं आपकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चूंकि एक मैं सैनिक हूँ तो ये अगर सेना के बारे में या अपने सैनिक जीवन के बारे में कुछ तक हूँ तो शायद ये मेरे अपने उसके साथियों के साथ और देश के साथ भी अन्याय होगा, इसलिए हम कुछ। सच कहूँ तो मुझे इंतजार था आपकी सेना के ऊपर किसी जी, रचना जी, जी जी मुझे इंतजार जी, था। तो हमने उसके ऊपर वेग लिए कि शीर्षक है उसका अभिजीत सेनानी जी, देखिएगा। देश जी का सैनिक हमेशा युद्ध को तैयार है, देश का सैनिक हमेशा युद्ध को तैयार है, चुप नहीं वह बैठता सुनकर कभी ललकार है। चुप नहीं वह बैठता सुनकर कभी ललकार है जी। जब खड़ा हो सरहदों पर वह न झपकाए पलक, जब खड़ा हो सरहदों पर वह न झपकाए पलक। नित अचल अविचल सजग, नित अचल अविचल सजग, निष्फल करे रिपवार है। नित अचल अविचल सजग, निष्फल करे रिपवार है। और अगला बंद देखिए। नित नई दुश्वारियां जिनकी न कोई कल्पना। सैनिक जीवन बहुत कठिन है, आप सब देखते हैं कहाँ कहाँ डिप्लॉय होते हैं हम सारे सैनिक। तो नित नई दुश्वारियां जिनकी न कोई कल्पना, हर परिस्थिति में सदा कृता अरिका करे संहार है। हर परिस्थिति में सदा अरिका करे संहार है, चाहे वो गलवान हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, अरुणाचल हो, कहीं पर भी हो, जंगलों में
बाढ़ में भी वो आपके साथ नजर आएगा, महामारी में आपके साथ नजर आएगा, तो हर जगह पे सैनिक तैयार रहता है। इसलिए बोला नित नई दुष्कवारियां जिनकी न कोई कल्पना, हर परिस्थिति में सदा अरिका करे संहार है। अगला बंद देखिए, देश की रक्षा करे सैनिक सभी सुख त्याग कर, देश की रक्षा करे सैनिक सभी सुख त्याग कर जी, और नव मधु के नूपुरों की, नव मधु के नूपुरों की भूलता झनकार है। जब उसको ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो कई बार आपने सुना होगा कि अभी भी शादी हुई थी लेकिन यूनिट से बुला लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया वो जी, तो देश की रक्षा करे सैनिक सभी सुख त्याग कर, नव वधू के नूपुरों की भूलता झनकार है, और देश के हर नागरिक की वह समझता वेदना, देश के हर नागरिक की वह समझता वेदना, प्राकृतिक विपदाओं में बनता वो तारण हार है। हर जगह पे आपको सेना और भारतीय सशस्त्र सेनाएं आपको मिलेंगे, जब भी कभी जरूरत पड़ती देश को, समाज को, सैनिक हमेशा तैयार है। तो देश के हर नागरिक की वह समझता वेदना, प्राकृतिक विपदाओं में बनता वो तारण हार है, वह नहीं कुछ मांगता सेवा करे निस्वार्थ बन, वह नहीं कुछ मांगता सेवा करे निस्वार्थ बन, बस मिले सम्मान उसको सबसे बड़ा उपहार है, बस मिले सम्मान जो सबसे बड़ा उपहार है। इससे ज्यादा सैनिक कुछ नहीं चाहिए, उसको एक इज्जत मिले देशवासियों की, उनका सम्मान मिले, उसी से वो खुश है। तो वह नहीं कुछ मांगता सेवा करे निस्वार्थ बन, बस मिले सम्मान जो सबसे बड़ा उपहार है, और मूल्य कोई आंक सकता क्या कभी बलिदान का, मूल्य कोई आंक सकता क्या कभी बलिदान का, वह तिरंगे पर निछावर कर रहा संसार है, वह तिरंगे पर निछावर कर रहा संसार है, और छोड़ पीछे सर्व रिश्ते प्रीति भारत से करे, सारे नाते रिश्ते भूल कर, वो देश से प्रेम से भरा हुआ है, छोड़ पीछे सर्व रिश्ते प्रीति भारत से करे, राष्ट्रवादी व्यक्ति करता कोटि सह आभार है। राष्ट्रवादी जो भी है वही सैनिक को उसकी भावनाओं को समझेगा और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा। तो छोड़ पीछे सर्व रिश्ते प्रीति भारत से करे, राष्ट्रवादी व्यक्त करता कोट सह आभार है। और अंतिम बंद देखिए, मूल्य पहचाने शहीदों के बहाए रक्त का दे सके सम्मान उनको, बस यही दरकार है, दे सके सम्मान उनको बस यही दरकार है। उनसे कोई प्रूफ न मांगे कि आपने किया था, हुआ था क्या, जो आज के प्रचलन नया चल पड़ा है कि हर चीज़ पे लोग सबूत मांगते हैं। तो कह रहे हैं मूल्य पहचाने शहीदों के बहाए रक्त का, दे सके सम्मान उनको बस यही दरकार है, देश का सैनिक हमेशा युद्ध को तैयार है, चुप नहीं वह बैठता सुनकर कभी ललकार है। अभी हम ओज की तरफ गए थे तो हम आपको एक मिनट में आपको बता दूं, आपकी इस रचना ने ना कितना सभी के मन में जोश भर दिया है जी, और भारतीय सेना को सलाम, सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा को नमन, जय भारत जय हिंद के कमेंट यहाँ पर हमारे दर्शक दे रहे हैं। प्रीति घोषाल, दुर्गा व्यास जी, नीलू मेहरा जी, शुक्ला, नीतू शुक्ला जी, आलोक मित्तल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रवीण जी, और चीनी सोनी जी, जी और काफी सारे कमेंट्स और ऊपर चले गए हैं जिनको मैं अभी स्क्रॉल करके पढ़ूंगी तो हमारा समय काफी निकल जाएगा। आपकी अगली रचना का इंतजार है। देखिए प्रमोद, बहुत धन्यवाद संध्या, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सलाम कर रही हूं। प्रमोद सनाड़ जी को प्रणाम, मेरा नाथ द्वारा से है और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आदरणीय दुर्गा व्यास जी और नीलम मेहरा जी, हम सब हमारे साहित्यिक मित्र हैं और दुर्गा व्यास जी से हमारे विशेष स्नेह है, कलकत्ता में हमारे साथ हैं। डॉक्टर वंदना जैन हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थी और हम उनके अंदर में MBA करके, मैं प्रमोद जी से माफी मांगना चाहूंगी कि उनके नाम का उच्चारण में ठीक नहीं कर पाई, मैं प्रमोद सिन्हा जी उनको पढ़ गई गलती से, माफी प्रमोद सनाडे जी। जी जी सर, आपके पास 5 मिनट बचे हुए हैं और अभी
जुड़ गई है। जी जी बस उतना ही है हमारे पास आखिरी रचना जो है, हम अब आपको प्रकृति की ओर ले चलते हैं श्रृंगार में थोड़ा सा, और जो छंद है उसका है कबीर छंद या सरसी छंद जिसको बोलते हैं, जो कि दोहा और चौपाई को मिलकर के बना है। उसका शीर्षक है मधुमासी मौसम। शीर्षक है मधुमासी मौसम। मधुमासी मौसम जब आता बदले ऋतु की चाल, मधुमासी मौसम जब आता बदले ऋतु की चाल, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे धरती माला माल, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे धरती माला माल, भौरे गुंजन कोकिल कूजन आती है आवाज, भौरे गुंजन कोकिल कूजन आती है आवाज, प्रकृति तान छेड़े नित नूतन मधुर बजाकर साज, प्रकृति तान छेड़े नित नूतन मधुर बजाकर साज, मधुमासी मौसम जब आता बदले ऋतु की चाल, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे धरती माला माल, निर्मल जल नदियों में बहता कमल खेले हरताल, निर्मल जल नदियों में बहता कमल खेले हरताल, नव पल्लव से दमके पादप सजा धरा का बाल, नव पल्लव से दमके पादप सजा धरा का भाल, और अमराई में अनुपम खुशबू मादक महुआ फूल, ये सब कुछ बसंत में आपको नजर आएगा। अमराई में अनुपम खुशबू मादक महुआ फूल, शीतल सुंदर छटा छा रही जो खुशियों की मूल, शीतल सुंदर छटा छा रही जो खुशियों की मूल, मधुमासी मौसम जब आता बदले ऋतु की चाल, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे धरती माला माल। अगला बंद देखिए, कामदेव के पुष्प बाण से बौराते मन आज, बसंत का ये परिकल्पना है ये, कामदेव के पुष्प बाण से बौराते मन आज, मधुमय मन ले रहा हिलोरे भूला मानव काज, कठिन साधना चंचल मन को जूझ रहे हैं लोग, मौन बौरा जाता है जब बसंत का मौसम आता है तो, कठिन साधना चंचल मन को जूझ रहे हैं लोग, द्वंद्व छिड़ा है अब धरती पर चुने योग या भोग, ध्यान दीजिएगा, द्वंद छिड़ा है अब धरती पर चुने योग या भोग, मास में ये इंसान की प्रवृत्ति के ऊपर जो असर आता है ये उसके ऊपर बंद था। और अंतिम पर देखिएगा, हर मौसम पर भारी पड़ता प्यारा है मधुमास, हर मौसम पर भारी पड़ता प्यारा है मधुमास, खुशियां दे जाता जन जन को ऋतु परिवर्तन खास, खुशियां दे जाता जन जन को ऋतु परिवर्तन खास, और रंग उमंग भरा अब दिल में, रंग उमंग भरा अब दिल में छेड़े मोहक राग, ढोल मजीरों की थापों पर बिखरे अनुपम फाग, रंग उमंग भरा हर दिल अब छेड़े मोहक राग, ढोल मजीरों की थापों पर बिखरे अनुपम फाग, मधुमासी मौसम जब आता बदले ऋतु की चाल, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे धरती माला माल। धन्यवाद, यहाँ पे मेरी रचनाएं समाप्त हुई, और मेरी तरफ से आप सभी को आपके ये पहले याद रखें। नहीं नहीं, आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना और मेरा उत्साह वर्धन किया, आशीर्वाद प्रदान किया अपना, उसके लिए मैं हृदय से सबको आभार करता हूँ। मंचासीन और जो आयोजन मंडल से सभी को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति उत्सव चल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले जो पर्व हैं नवरात्र हैं और दिवाली, उन सब के लिए भी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी आदरणीय, बहुत सुंदर। आप लोगों के जो सेना से जुड़े हुए सभी जो भी पदाधिकारी होते हैं या एक सैनिक भी होता है, उनके लिए हृदय से सम्मान निकलता है। अगर आप हैं तो हम चैन की नींद सो रहे हैं, और आपसे ही हम लोग हैं, आपके सपोर्ट के बिना हम नहीं हैं। प्रहरी बनकर तो हम आराम से अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। आप लोगों को सच्चत नमन है, आप जिस तरह से जितनी कठिन परिस्थितियों में आप हमारे देश की रक्षा करते हैं, नमन है आपको आदरणीय, और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।